Oh, you, thou name is the best beginning for every task. How am I expected to begin my discourses without remembering you? First of all, I would like to extend my best wishes to the organizers of this conference Global Terrorism, Humanity, Peace and Possibilities. Friends, this is a joint venture. एंड विश्वग्राम एम आर एम फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ पीस अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सो माई बेस्ट विशेष टू दिम एंड दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टूडे रचनाकार ने जब इस संसार की रचना की उसने जमीन बनाई उसने आसमान बनाया उसने सितारों को सूरज को चांद को बनाया इसलिए बनाया कि वो इस संसार के कोने कोने में प्रकाश फैला सके रोशनी दे सके और जब धीरे धीरे एक वातावरण तैयार हुआ जहाँ उसने बड़ी मेहनत की उसने हर चीज़ का ख्याल रखा कि जहाँ सब्ज़े भी हों जहाँ फूल भी हों जहाँ पानी भी हो जहाँ ऊंचाई भी हो जहाँ गहराई भी हो जहाँ हवा भी हो जहाँ बादल भी हों इन सब की रचना जब कर ली तब उसने एक ख़ूबसूरत चीज़ जिसको इंसान कहते थे उसको बनाया इस इंसान को बनाने के बाद उसने सोचा कि यही हमारी सबसे अच्छी रचना है सबसे अच्छी तख्लीक है मगर ये इंसान इन सब रंगा रंग दुनिया को देखने के बाद चकाचौंध होने के बाद यह सोचने लगा कि क्यों न अपनी ताकत को इन पर आजमाया जाए और उसने पहाड़ों की बुलंदियों को छूना शुरू किया समंदरों की गहराइयों को नापना शुरू किया उसने कहा कि हम समंदर के दिल पर अपनी कश्ती न चलाएं तो नाम नहीं और इन्हीं सब करते करते इंसान वहां तक पहुंच गया जहां वो सीधा उस रचनाकार के सामने खड़ा हो गया और एक तरफ अपनी ताकत दिखाने लगा और उसको चैलेंज करने लगा जिसकी ताकत असीमित थी यही हुआ कि रचनाकार ने फिर अपने पैगंबरों को अवतारों को ज़मीन पर उतारना शुरू किया पैगाम देने लगे कि देखो मोहब्बत सीखो दोस्ती सीखो भाईचारा सीखो एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो तुम्हारे दरमियान औरतें भी हैं मर्द भी हैं बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं सबका हक समझना सीखो मगर इंसान अपने एम्बिश को आगे बढ़ाता रहा इंसान खुदा को ललकारता रहा खुदा ने इसके हाथों से कहा था कि तू मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ा लोगों से हाथ जो मिला उसके अंदर नरमी होनी चाहिए मगर इस इंसान ने इंसान से हाथ मिलाने के बजाय इसने तलवार से इसने खंजर से इसने नज़े से इसने भाले से हाथ मिलाया और उसके बाद जब आगे बढ़ा अपने दिमाग की जो उपज थी जब उसको चैलेंज करना था तो उसने हथियार बनाने शुरू किए एक से एक हथियार और उसने फिर तोपें बनाई बंदूकें बनाई गन पाउडर्स बनाए इस संसार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की आज हम वही समझने के लिए आए हैं कि ये इंसान क्या चाहता है हम भारत के निवासी हमेशा पीस लवर रहे हैं हमने मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को दिया है और आज इस मंच से भी हम दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि डिस्ट्रक्शन में फायदा नहीं है कंस्ट्रक्शन में फायदा है वो बात करो कि जिससे दूसरा खुश हो सके वो बात करो कि जिससे तुम्हारा बनाने वाला खुश हो जाए मगर वो बात तो निकल नहीं रही है आखिर माजरा क्या है बात क्या है हम अगर अपने आप के बारे में सोचें तो फिर पड़ोसियों का क्या होगा अगर पड़ोसियों के बारे में सोचेंगे तो इस पूरे संसार का क्या होगा यह है एक दूसरे को बांधने की तरीके जिसमें एक दूसरे का जानना भी ज़रूरी है कि हम किस लिए बनाए गए हैं हमें क्या करना चाहिए हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को नहीं समझेंगे तो ना हम इस संसार के लोगों को जवाब दे पाएंगे ना अपने उस पालने वाले को जिसने हमको इस दुनिया में बनाया है मैं एक बार फिर उन तमाम लोगों को जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस समय जब बहुत ही क्रिटिकल मोड पर हम आ गए हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह जगह से लोगों को बुलाया है ताकि वो आप अपने अपने ख्यालात को रख सकें अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री इंद्रेश जी को डॉक्टर इंद्रेश कुमार को कि जिनकी सरपरस्ती में आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है मैं प्रोफेसर गीता जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर शाहिद को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इसी तरह से जनाब ग्रीश जुआल जी को और अफज़ाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भी इसमें कुछ बोलने का मौका दिया और मैं इसकी कामयाबी की कामना करता हूँ और मैं जानता हूं कि यह कॉन्फ्रेंस एक पैगाम निकालेगी और यह पैगाम पूरे संसार में फैल जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद